हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान में हिंदू विरोधी बयान देने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई। अलका बोली, भारत को इससे सीखना चाहिए। पाकिस्तान के एक मुस्लिम मंत्री को हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सूचना मंत्री के पद से हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना मंत्री फयाज उल हसन चौहान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू समुदाय को गाय का मूत्र पीने वाला बताया था। उन्होंने कहा था, हम मुस्लिम हैं और हमारे पास झंडा है मौला अली की बहादुरी का, झंडा है हजरत उमर के शौर्य का। तुम हिंदुओं के पास ये झंडा नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके साथ ही उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह हिंदुओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे, इस भ्रम में ना रहो कि तुम हमसे 7 गुना ज्यादा बेहतर हो, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास है। मूर्तियों को पूजने वाले फयाजुल हसन की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने आपत्ति जताई थी। इमरान खान ने उनके बयान को अनुचित करार दिया और कहा, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हम किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद पीटीआई ने फयाज उल हसन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और अब उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले सत्तारूढ़ पार्टी के नेता को मंत्री पद से हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई भारत में कब होगी। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के उन हिंदुत्ववादी दलों पर हमला बोला है जिनकी सियासत ही मुसलमानों को भरा भुला कहने पर टिकी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भगवाधारी संधि भक्त दोस्ते के अनुयायी वाजपेयी, हिंदुवादी संगठनों क्या कहना है तुम्हारा इस इस्तीफे के बारे में। हिंदू मुस्लिम मामले में तुम्हारा दुश्मनी तुम्हारा बाप निकला, सीखो कुछ दुश्मन से भी, अगर इससे इंसानियत का भला होता है तो कोई और तारीफ मत करना, नहीं तो। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।